दोस्तों, इंडिया डेयरी फार्मिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम कृषि तथा पशुपालन से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहते हैं, जो कि सामान्य से सामान्य किसान से लेकर डेयरी उद्यमी तक के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो आप इस चैनल को अभी यहाँ पर से या फिर यहाँ पर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि डेयरी पशुओं का गर्मियों में कैसे ख्याल रखें। भारत में तेज़ गर्मी के तीखे तेवरों के चलते बहुत हद तक जनजीवन प्रभावित हुआ है। बेजुबान पशु भी गर्मी की मार से अछूते नहीं बचे हैं। गर्मी का असर मनुष्यों पर ही नहीं अपितु पशुओं पर भी होता है। गर्मी में पशु का शारीरिक तापमान 106 से 107 फारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जबकि यह तापमान सामान्य रूप से 98 फारेनहाइट होना चाहिए। गाय, भैंसे तथा अन्य जानवर अधिक गर्मी सहन नहीं कर सकती हैं। भीषण गर्मी व लू की मार से दुधारू पशुओं में दूध देने की क्षमता घट जाती है। गर्मियों में उन्हें हीट स्ट्रोक होने का खतरा होता है, जिससे उनका दूध उत्पादन 25 से 30% तक कम हो जाता है। हीट स्ट्रोक होने पर पशु के शरीर का तापमान बढ़ने के साथ पशु हाँफने लगता है। वह चारा खाना छोड़ देते हैं, जिसके कारण पशु दुबले पतले हो जाते हैं और बीमार पड़ने लगते हैं। इस बीमारी पर यदि शीघ्र काबू नहीं पाया जाए तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। पर्याप्त देखभाल न होने पर गर्भवती गौ की गर्भ गिरने की नौबत भी आ सकती है। तो चलिए अब हम गर्मियों में डेयरी पशुओं को हीट स्ट्रोक से बचाने के तरीके जानते हैं। पशुपालकों को गर्मियों में कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, पशुपालकों को अपने पशु ऐसी छायादार जगह पर बांधने चाहिए जहां सीधी लू व धूप ना लगे। दूसरा, रात के समय पशुओं को बाहर खुली जगह में बांधें। पशुओं को दिन में एक दो बार जरूर नहलाएं। तीसरा, मवेशियों को गर्मी से बचाने के लिए पशुपालकों द्वारा डेयरी में कूलर व पंखे आदि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डेयरी फार्मिंग में कूलिंग सिस्टम का क्या महत्व है, इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपके सामने एक लिंक आएगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। चौथा, आधुनिक डेयरी में फुव्वारा सिस्टम लगाए जा सकते हैं। पांचवा, दिन के समय उन्हें अंदर बांध कर रखें। छठा, पशुओं के चारे में हरे चारे की मात्रा अवश्य दें। सातवां, पशुओं के पीने के लिए साफ और प्रचुर मात्रा में पानी रखें। आठवां, डेयरी को इस प्रकार बनाएं कि सभी जानवरों के लिए उचित स्थान हो, ताकि हवा के आने जाने के लिए जगह मिले। नौवां, साफ सफाई का खास ख्याल रखें। दसवां, हीट स्ट्रोक की चपेट में आने पर पशु को तुरंत चिकित्सक को दिखाएं, ताकि पानी की कमी को समय रहते पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज आपने जाना कि पशुओं को गर्मियों में हीट स्ट्रोक से कैसे बचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कृषि तथा पशुपालन से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।